मैं स्मृति पंचाल, मैं मिसेस यूनिवर्स रह चुकी हूँ। इसके पहले मैंने मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल वर्ल्ड, मिसेस एशिया इंटरनेशनल, मिसेस इंडिया अर्थ, मिसेस भारत आइकॉन, टॉप मॉडल ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत से टाइटल जीते हैं। ये सब टाइटल जीतने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं भी कुछ लेडीज़ लोगों के लिए करूं। और मैंने ये पेशेंट्स के दरमियान बहुत से लेडीज़ लोगों को ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा कि हर एक लेडीज़ में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, उसकी कुछ ब्यूटी है, आउटर ब्यूटी के साथ साथ उनमें इनर ब्यूटी है। जो वो पोटेंशियल है वो मैं चाहती हूँ कि वो बाहर आ जाए। तो ये जो मेरे थॉट्स थे, इसकी वजह से वी आर नाउ द फाउंडर ऑफ मिस एंड मिसेस इंडिया पैसिफिक, अप्सरा महाराष्ट्र एंड मिसेस इंडिया। तो हम लोगों का ये जो अभी पेजेंट है, ये सहारा स्टार मुंबई में हुआ था और इसमें बहुत से कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया था। जो भी लेडीज़ थी, 18 साल से लेके 58 इयर्स तक की लेडीज़ थी, अलग अलग कैटेगरीज थी। उसमें मिस भी जीती, प्रीमियम कैटेगरी में दूसरी लेडीज़ भी मिसेस में जीती, और अभी जो मेरे साथ है अर्चना तेंदुलकर, वो क्लासिक कैटेगरी में जीती है। जो 38 से लेके 55 तक की जो कैटेगरी है उसमें वो जीती है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक महिला जो है उसे बहुत खूबसूरत रहती है, मतलब उसके अंदरूनी जो सौंदर्य है उसको हम लोग बाहर लाना चाहते हैं। तो इसकी वजह से हम लोगों ने पेजेंट स्टार्ट किया, और हम लोगों का कॉज ही है किचन टू कॉरपोरेट, यानी किचन ये एरिया खाली स्त्रियों तक सीमित नहीं है, तो उससे बाहर आके वो कॉरपोरेट तक जा सकती है। ये जो मेरी विनर है अर्चना तेंदुलकर, पहले ये मराठी इंडस्ट्री में रह चुकी है। बिफोर मैरिज शी वॉज वेरी फेमस इन मराठी इंडस्ट्री। उसके बाद में उसने, उसके मैरिज के बाद में उसकी सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उसने पूरी कंप्लीट की है। और उसके बाद अभी उसने जो ये पेजेंट में पार्टिसिपेट किया एंड शी वॉन द टाइटल, दिस इज़ रियली अप्रिशिएबल। ओके अर्चना जी, जब इस तरह का कुछ होता है, और क्योंकि आप ऑलरेडी मराठी इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुकी हैं, जब आपको इस तरह का ऑफर दिया गया, क्या जहन में आया कि हाँ ये बाकी रह गया था, ये मुझे करना है? हाँ, ये बाकी रह गया था, ये बात है, क्योंकि मैं मिस कोल्हापुर हो चुकी हूँ, मिस कोल्हापुर 1989, मिस मैनचेस्टर, मिस महाराष्ट्र। तो अभी मैं ये चाहती थी कि वापस, मतलब 27 साल बाद, कि क्या मैं ये वापस रैम शो, वापस ऐसे ब्यूटी पेजेंट कर सकती हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस है या नहीं है। और एक ऐसी बात थी कि मैंने मेरा पहला मैके का नाम तो रोशन किया, लेकिन हर एक औरत चाहती है कि मैं जब ससुराल आऊँ तो मैं ससुराल का नाम भी उतना ही रोशन करूँ। तो मेरा वो सोच लेके और एक कॉन्फिडेंस मतलब रिगेन करने के लिए मैंने ये पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था। क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा, और क्या उम्मीद थी कि आप विनर बन के बाहर आएंगे? और इतना बड़ा वक्त, मतलब 27 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता है, बहुत बड़ा गैप है, और उसके बावजूद आना, डू यू गॉट इमोशनल व्हाइल वॉकिंग ऑन द रैंप और व्हाइल विनिंग दिस ट्रॉफी? नहीं, विनिंग के बाद बहुत इमोशनल मैं हो चुकी थी, क्योंकि मतलब पता नहीं, मतलब कुछ वेरी सरप्राइज, मतलब यस, इतना मैंने 23 साल मेरे मैरिज लाइफ, इसके बाद मैं ये पेजेंट जीत सकती हूँ, ये नहीं, ठीक है, बेस्ट पर्सनालिटी का तो मुझे मिल गया था, लेकिन वो जो लास्ट होता है ना, द सर नेम स्टार्टिंग विद SAT, धक 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 धक, एंड जब अर्चना तेंदुलकर बोला गया तो रियली आई वॉज वेरी मच सरप्राइज की दिस एज आई हैव वन द टाइटल। इट इज़ वेरी नाइस फॉर माई फैमिली, माई रिलेटिव, माई फ्रेंड्स एंड एवरीवेयर। मतलब एक इंस्पिरेशन लोग ले रहे हैं कि चलो ये उम्र में जाके भी हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, जब अपने ससुराल में कहा होगा कि आपको ये पार्टनर होना है, एक बार उनका क्या रिएक्शन था, आपके हस्बैंड हो या इन-लॉज हो, उनका क्या कहना था? मेरे मतलब पहले तो इसमें था कि स्पाउस का कंसेंट, तो स्पाउस का कंसेंट, जैसे मैंने बोला कि ऐसे ब्यूटी पेजेंट है और मैं पार्टिसिपेट लेना चाहती हूँ, तो एक फटके में से तो हस्बैंड ने हाँ ही बोल दिया। और सबसे मुझे बड़ी बात थी कि इन्होंने, मैंने पेजेंट जीत गई, क्राउन जीत गई, लेकिन मेरे हस्बैंड थे ही वॉज आउट ऑफ इंडिया, और उसी दिन रात को 10:40 को उनकी फ्लाइट आ गई थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और जैसे उन्होंने आए और वो नेट सर्विस में और बेटी का मैसेज पड़ा कि मॉम हैज़ वन द टाइटल, मतलब वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से डायरेक्ट सहारा स्टार में एंटर हो गए। और वो जो मेरे फ्लैशेज फोटोज चले थे, और मैंने हस्बैंड को सामने देख के, मतलब मेरे होश हक्के में के, मतलब दंग रह गए, मतलब हस्बैंड आफ्टर 23 ऑफ ईयर्स, मेरे हस्बैंड आ गए मेरा शो देखने के लिए। और लाइक मैं सबको इंट्रोड्यूस कर रही थी कि इज माई हस्बैंड, तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया नो, आई एम हर हस्बैंड, आई एम द हस्बैंड ऑफ दिस विनर। सो वो जो बात उन्होंने स्टेटमेंट किया वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत अलग शुरुआत करी, आई कैन सी द एक्साइटमेंट, आई कैन सी द हैप्पीनेस, यू नो,
क्या कोशिश रहेगी पूरी, क्योंकि आपने कहा कि किचन टू कॉर्पोरेट, कि महिलाएं सिर्फ किचन तक सीमित नहीं है, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है एज एन इंडिविजुअल, और ऐसे आगे क्या प्लान कर रहे हैं आप और किन लोगों को टारगेट करेंगे कि जो आए और जो रह गया जीवन में कुछ करने के लिए उस सपने तक पहुंचे। मैं कहना चाहूँगी कि स्वावलंबन एक मेरा एनजीओ है और ये एनजीओ के थ्रू हम लोग वुमन एम्पावरमेंट जो है उसको बढ़ावा देते हैं, और मेरा मतलब हम लोगों का ट्राई ऐसे ही रहता है कि जो भी लेडीज़ हैं वो हर एक क्षेत्र में आगे आ जाए, कि वो किचन तक सीमित न रहे। और अभी ये तो अभी हम लोगों का मिस एंड मिसेस इंडिया पैसिफिक हुआ, इसके बाद अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, दैट विल बी इन जून, दैट इज़ द अप्सरा महाराष्ट्र। तो बेसिकली इसमें हम लोगों का थीम महाराष्ट्रन जो ड्रेस है, ड्रेसिंग है और महाराष्ट्रन कल्चर है उसके ऊपर रहेगा, तो उसमें हम लोगों की थीम नौवारी साड़ी है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक लेडीज जो है वो हर एक लेडीज जैसे शालीन लेडीज, एक बच्ची से लेके एक अच्छी बहन हो सकती है, अच्छी एक मदर हो सकती है, अच्छी वाइफ हो सकती है, ये सब काम करते करते और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते करते कभी कभी वो भूल जाती है कि उसके लिए भी कुछ टाइम निकालना है, तो उसका खुद के, क्योंकि इंसान को, हर एक इंसान को खुद के लिए टाइम देना और खुद का अंदरूनी विकास करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना वो दूसरों का करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो लेडीज़ है वो उनके अंदर के पोटेंशियल जो है उनको खुद को जाने और वो निखारे और वो उनका जो पोटेंशियल है वो बाहर लेके आए। मैं चाहती हूँ कि ब्यूटी जो है वो कभी भी आउटर ब्यूटी नहीं रहती है, ब्यूटी हमेशा देर इज़ ए इनर ब्यूटी भी रहती है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कोई भी लेडी या कोई भी स्त्री ब्यूटीफुल मानी जाती है। मैंने इतने पेजेंट्स किए हैं और मैंने ऑर्गेनाइज भी किए हैं, बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि कभी कभी 20 साल से लड़की से भी 40 साल की जो लेडी है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, बिकॉज व्हेन यू आर परफॉर्मिंग यूर सेल्फ, आपके खुद को प्रेजेंट कैसे करते हो, आप जिस तरह से बातें करते हो, जिस तरह से अप्रोच करते हो, बहुत सी चीज़ें हैं वो आपके लाइफ में और एक स्त्री के लिए मायने रखती है। तो इस तरह से हम लोग जो पेजेंट कर रहे हैं, अभी ब्यूटी पेजेंट कर रहे हैं, तो ब्यूटी पेजेंट दिस इज़ आई कैन से द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लेडीज़, दिस इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ वुमनहुड, और अगर कोई लेडीज़ लोगों को मीडिया में आना है तो दिस इज़ आई थिंक से द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मिस एंड मिसेस इंडिया पैसिफिक, देयर आर एक्चुअली 3 कैटेगरीज, वन इज़ मिस एंड 2 कैटेगरीज इन द मिसेस। So we give the platform from the age of right like 18 to 58 in the Miss category. The age is right means up to the marriage, that's Miss category, and in Mrs. category from marriage to 39 is premier category, and 39 to 55 is the classic category. So overall we give the platform right from the like Miss category, from the age of Miss right up to the 55. So all the, probably we cover the all the age group maximum. So whoever have the potential, they can come and we provide them the platform if they want to achieve something like in the fashion, glamour, Bollywood, Marathi industry, advertising. So if they have potential, we give the platform to the potential participants to achieve their dreams. Means in the India still there is a like woman, they struggle to achieve their dreams, and it is very difficult for the housewife to come out of the home and like do whatever they want to do in the fashion, drama, movie, advertising, television channels. So our try to give maximum what they want to do in their life. This is the what all about like Miss and Mrs. India Pacific. How we respond, you know, we though it is already done in Sahara and there are so many people from Bollywood, Tana. Do you think it's a good start, or what would be your next planning in terms of taking this journey ahead? With so much good response, me already left planning to have one more in the coming few months. That we have such a good response from the category, all the categories, and we motivate to do something more. And very soon we are coming up with Miss and Mrs. Maharashtra, Apsara Maharashtra. And it is going to be in the month of June, probably. Still we are working on the date. Candidates like Archana Tendulkar have motivated us to do something
So this is our going to be next try in the month of June. So we invite all the categories in the female to come and explore their talent with us and with what they achieve their dreams. Is it intentional effort to do something within Maharashtra, especially with the Maharashtra? No. Or you find the culture is so rich, it can be explored? As I'm born and brought up in the Maharashtra, Mumbai, Maharashtra. So it's like my personal, like to do something where I have bought and grown up. So it's my try and to do good platform where I stay and I just stayed where. Otherwise, was just we have done the national level like Miss and Mrs. India Pacific. So we are coming up with like a state level. We want to do something in the state level also. The last question from my end, you know, Bollywood always inspire each and everyone across the globe. If though you have started a brand, is there a possibility we'll see somebody from Bollywood becoming a brand ambassador of your company and your initiative? Our in this last this month in the India Pacific, there are so many celebrities have came in our show from the Bollywood, from the Marathi industry. I'm talking about somebody who's an official brand ambassador of your company. We are working on that, and very soon we'll come up with one good ambassador who can more motivation to the other contestants also to be a part of our organization, and they also like to have become ambassador for the each year. So it's we are planning, we are under planning, so we will come up with that. Thank you so much.